हम आपको आज बताएंगे प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल की खोज रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 ईस्वी में की थी। प्लांट सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 ईस्वी में की थी। देखते हैं प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल डायग्राम हमने पहले से बना रखा है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पे। ये जो लास्ट की लिखी है, इसे लिखा है हमने आउटर मेम्ब्रेन। फिर ये सेंटर में है मिडल, ये वाले सेंटर में देखिए, ये जो है ये जो सेंटर की लाइन है ये सेंटर में है मिडल लेमिला, और इसके लास्ट में ये दिखाई पड़ रही है जो है इनर मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलके बनाते हैं सेल वॉल। ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति। तो हम देखेंगे प्लांट सेल में, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ये दिखाई पड़ रहा है, ये है न्यूक्लियस केंद्रक, से हम लिखेंगे यहाँ पे केंद्रक न्यूक्लियर। इसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं इन्हें लिखते हैं न्यूक्लियर पोर। ये इधर लिख रहे हैं केंद्रक छिद्र। न्यूक्लियर के सेंटर में है ये न्यूक्लियोलस केंद्रिका। फिर ये माइटोकांड्रिया है, स्फेनोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, ये वैक्यूल होती हैं, ये वैक्यूल हैं यहाँ पे। अब अगर हमें इसकी डिफिनेशन लिखना हो तो आप यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट डिफिनेशन सेल वॉल, या लिखेंगे कोशिका भित्ति। तो इसमें लिखना है आपको पादप कोशिकाओं में यानी प्लांट सेल में जो कोशिका भित्ति बनी होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। बाहरी तथा भीतरी मेम्ब्रेन मिलकर कोशिका भित्ति का निर्माण करती हैं। इनके सेंटर में मिडल लेमला, ये देखो है मिडल लेमला पाया जाता है। अगले बार में तुम्हें लिखना है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, तुम यहाँ पे लिखेंगे कोशिका द्रव्य। ये जो इसमें है सेंटर में ये पूरा दिखाई पड़ रहा है, यह है कोशिका द्रव्य। ये लिखा यहाँ पे साइटोप्लाज्म, या इसे लिखेंगे हम कोशिका द्रव्य। तो इसमें आपको बताना है कि पादप कोशिका में अर्ध तरल ठोस पदार्थ पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह दो भाग में बटा होता है, एक होता है फर्स्ट एक्टोप्लाज्म, ये बाहर की तरफ जो द्रव्य होता है ये वाला, ये पार्ट पूरा ये होता है एक्टोप्लाज्म। सेकेंड इंडोप्लाज्म, ये जो कोशिका के भीतरी पार्ट में होता है ये होता है इंडोप्लाज्म। अब इसमें लिखना है कि कोशिका के अंदर भरे अर्ध तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें निम्न भाग पाए जाते हैं या निम्न आर्गन पाए जाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है फर्स्ट केंद्रक, पहला पार्ट कौन सा है केंद्रक, ये दिखाई पड़ रहा है। इसमें बताना है आपको यह दोहरी इकाई कला का बना होता है, जो कोशिका के मध्य में गोलाकार अथवा अंडाकार संरचना होती है, गोलाकार अथवा अंडाकार संरचना होती है।
इसके अंदर भरे अर्ध तरल पदार्थ को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स केंद्रक द्रव, ये रहा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये यहाँ से हम लिख रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें उलझी हुई संरचनाओं का जाल पाया जाता है, इन्हें क्रोमेटिन जाल कहते हैं। ये रहा क्रोमेटिन जाल तथा इसके अंदर ऊपरी भाग में एक केंद्रिका पाई जाती है। इसकी बाहरी कला पर जो होता है, इसकी बाहरी कला पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल फैला रहता है, जिनकी बाह्य कला पर राइबोसोम्स, ये देख लो यहाँ पे जो है, इनकी बाह्य कला पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है केंद्रक माइटोकांड्रिया। देखिए ये स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ रही है माइटोकांड्रिया, ये यहाँ पे माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया है। तो सेकंड आप लिखेंगे माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया के बारे में बताना है कि यह दोहरी इकाई कला की बनी होती है। इसके भीतरी कला पर अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं, जिन्हें ये उभार जो दिखाई दे रहे हैं अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी, एटीपी, एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। नेक्स्ट आपको हेडिंग बनाना है रिक्तिकाएं, वैक्यूल, रिक्तिका या लिखेंगे वैक्यूल, रिक्तिकाएं या वैक्यूल। इसमें लिखना है प्रत्येक कोशिका में एक या दो, एक या दो रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जिनके अंदर कोशिका रस, सेल सैप, कोशिका रस भरा होता है। नेक्स्ट टाइम पे हम लिखेंगे गाल्गीचा, गाल्जी काय, थर्ड हेडिंग है गाल्जी काय या गाल्गी बॉडी। कोशिका के कोशिका द्रव में गाल्जी काय नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या क्लोरो प्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में लिखना है आपको कि पादप कोशिका के कोशिका द्रव में सिक्के के समान, ये रही आपकी सिक्के के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हरित लवक कहा जाता है। हरित लवक की उपस्थिति के कारण पौधों के भाग हमें हरे दिखाई देते हैं। इसी के कारण, यानी हरित लवक के कारण ही पौधों की पत्तियां हरी दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद में आपको लिखना है माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रो ट्यूबल्स। देखिए आप कोशिका द्रव में ये जो संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, ये स्ट्रक्चर जो है, ये हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स। इसमें लिखना है कोशिका के कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइक्रो ट्यूब्यूल्स, जिन्हें माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहते हैं। थोड़ा क्रोमेटिन जाल के बारे में समझेंगे, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जाल, ऐसा कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर। केंद्रक द्रव्य में धागे के समान उलझी हुई संरचनाओं का जाल पाया जाता है, जिन्हें क्रोमेटिन जाल कहते हैं।
कोशिका विभाजन के समय ये धागे छोटे व मोटे होकर गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं, ये वाली संरचना जो दी गई है यहाँ पे। अब लिखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्र की बाहरी कला पर, ये देखो यहाँ से केंद्र की बाहरी कला पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे लिखते हैं ई आर, ई से हो गया एंडोप्लाज्मिक, आर से रेटिकुलम, केंद्रक आवरण की बाहरी कला पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती हैं, कणिकामय, सॉरी यहाँ पे हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी कला पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये हो गया राइबोसोम्स। गालजी का हो गया है अदर पार्ट्स, अब हम लिखेंगे अदर पार्ट्स में लिखना है कि पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्फेरोसोम्स और ये जो पड़ी होती हैं इस टाइप से माइक्रोट्यूबल्स व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई जाती हैं इस टाइप से, जिन पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। तो इस टाइप से हम कोशिका के बारे में जानेंगे, और इसके फिर लिखना है आपको कोशिका स्ट्रक्चर, डायग्राम के नीचे लिख लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है बच्चों, बाकी डिस्कस समझो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।